उम्र अय्यार। कोई तीस भी दुनिया की कहानी सुना मत, कोई काफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are। सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गवाइएगा। अय्यारों तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। जरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। जेल इंतजामिया ने बताया अली अमीन गंडापुर ना आए उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत में शामिल सारी पार्टियां नूरा कश्ती लड़ रही हैं, यास्मीन राशिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालने के अहकामात जारी किए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हिदायत देते हुए कहा कि नाम ईसीएल से निकाल कर एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। वाज़ेह रहे कि साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल ने हज अदायगी के लिए नाम ईसीएल से निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। बानी पीटीआई के वकील एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा है कि जेल इंतजामिया ने बताया अली अमीन गंडापुर ना आए उन्हें दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अदियारा जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को आज अदियारा जेल में 9 मई के मुकदमात में पेश होना था। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। फैसल चौधरी का कहना है कि आज मुलाजिमान में चालान की नकूल तकसीम होनी थी, चालान की नकूल तकसीम नहीं हुई और समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी की गई। मानी पीटीआई के वकील ने कहा कि 9 मई के मुकदमात में नामजद तमाम मुलजिमान को आज अडियाला जेल तलब किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि हुकूमत में शामिल सारी पार्टियां नूरा कश्ती लड़ रही हैं, क्या ये बजट साइन नहीं करेंगे और मंजूरी नहीं देंगे। यास्मीन राशिद ने जेल से लिखे गए खत में कहा कि फॉरम 47 की हुकूमत की पूरी कोशिश है गरीब आदमी मजीद गरीब हो जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है, आवाम पहले दो वक्त की रोटी खाते थे, अब एक वक्त की खाएं और जो एक वक्त की रोटी खाते थे वो भूखे सोएं। यास्मीन राशिद का कहना है कि जाली हुकूमतें कमर तोड़ टैक्स लगा दिए हैं, किसान बर्बाद हो गया, हम कर्जा लेकर पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी टीवी यूएसए, डीटीवी एनएन और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डीटीवी फ्लिक्स, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स देखने को मिलेंगे। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्र अय्यार आर साइफाई उर्दू हिंदी फिल्म हैज बीन रिलीज्ड ऑन ईजे। प्लीज चेक लिस्टिंग थिएटर नियर यू, मस्ट वॉच फिल्म उम्र अय्यार। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।